नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत रोज की तरह कोरोना अपडेट के साथ। देश में पहली बार 24 घंटे में 52,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए, जबकि 775 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर करीब 35,000 हो गई है। वहीं भारत में कोरोना संक्रमण का मामला बढ़कर 15,83,000 के पार जा चुका है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें से 10,20,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी कोरोना ने आज रिकॉर्ड तोड़ा। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 3,705 नए मामले सामने आए। वहीं 57 लोगों की इस संक्रमण से जान चली गई, जो यूपी में एक दिन में मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जबकि संक्रमण के 3,705 मामलों का आंकड़ा भी एक दिन में सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक अहम जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि कोरोना से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट में सकारात्मक रूप देखने को मिल रहा है। अप्रैल में यह दर 7.58% थी, जो बढ़कर अब 64.4% हो गई है। इसके साथ ही देश के 16 राज्य ऐसे हैं जहां रिकवरी का रेट राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। इन राज्यों में दिल्ली का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है, दिल्ली 88%, लद्दाख का 80%, हरियाणा का 78%, राजस्थान का 70% और मध्य प्रदेश का 69% रिकवरी रेट है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मौत की दर आज 2.21% है, जो दुनिया भर के सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। इसके साथ ही देश के 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से भी कम है। खबरें अब सियासी गलियारों से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्र के बीच विधानसभा सत्र की तारीख को लेकर लंबे खींचतान के बाद सीएम की ओर से 14 अगस्त के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस बीच हरियाणा में डेरा डाले सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने कहा है कि वे विधानसभा सत्र में हिस्सा लेंगे। गहलोत के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार किए सचिन पायलट और उनके सहयोगी 18 विधायकों ने जयपुर लौटने के लिए सुरक्षा की मांग की है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा है कि वह चाहते हैं कि सरकार से नाखुश विधायक भी विधानसभा सत्र में आएं, क्योंकि वे कांग्रेस के चुनाव पर जीत कर आए हैं। बीएसपी के 6 विधायकों ने राजस्थान के चुनाव के बाद कांग्रेस में विलय कर लिया था, जिसके बाद अब पार्टी की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने कांग्रेस में विलय कर चुके बीएसपी के 6 विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी किया है। अदालत की ओर से सभी से 11 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया है। दरअसल बीएसपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखते हुए सतीश मिश्रा ने हरियाणा के कुलदीप बिश्नोई मामले और जगजीत सिंह केस का हवाला दिया और कहा कि बीएसपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, ऐसे में राज्य स्तर पर फैसला मान्य नहीं होता। सतीश मिश्रा की दलील थी कि पूरे दल का विलय राष्ट्रीय स्तर पर ही हो सकता है। उधर रक्षा सौदे में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली की 4 साल की सजा को हाईकोर्ट ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। भ्रष्टाचार के आरोप में जया जेटली को सीबीआई की विशेष अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसमें जया जेटली को आज शाम 5 बजे तक तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करना था। लेकिन इससे पहले ही जया जेटली ने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे स्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को फिलहाल स्थगित कर दिया है, जिसके कारण जया जेटली फिलहाल जेल जाने से बच गई हैं। जया जेटली का मामला साल 2000-2001 का है, जिसमें एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था। स्टिंग में रक्षा मंत्रालय से जुड़े कई बड़े अफसरों और नेताओं को घूसखोरी करते दिखाया गया था। इस मामले में सीबीआई ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जया जेटली, मेजर जनरल एसपी मुरगई, गोपाल पचेरवाल और सुरेंद्र कुमार सुरेखा इस मामले में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए गए थे। आपको बता दें कि इस कांड के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में तत्कालीन रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस बुरी तरह घिर गए थे और आखिरकार विपक्ष के दबाव के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और तत्कालीन समता पार्टी की अध्यक्ष जया जेटली को भी रिजाइन करना पड़ा था। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने मॉरिशस के पोर्ट लुई में वहां के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। दरअसल भारत ने इस बिल्डिंग के निर्माण में दोनों देशों के बीच डेवलपमेंट कोऑपरेशन यानी पारस्परिक विकास की साझेदारी के तहत सहयोग किया है। मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है और यह मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में भारत की सहायता से बनी पहली बुनियादी ढांचा परियोजना है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मॉरिशस के पोर्ट लुई में भारत मॉरिशस के सहयोग के तहत बना सुप्रीम कोर्ट का भवन
दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों का प्रतीक है। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने कहा कि भारत और मॉरिशस के संबंधों में यह नया आयाम जुड़ा है। दोनों देशों के संबंध साझा अतीत, मूल्यों और संस्कृति पर आधारित हैं। उधर प्रदूषण को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर हमला बोला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत, चीन और रूस को अपनी हवा को लेकर कोई चिंता नहीं है, जबकि अमेरिका अपने देश की हवा की परवाह करता है। इससे पहले भी ट्रंप कई मौकों पर प्रदूषण को लेकर भारत की तीखी आलोचना कर चुके हैं। पेरिस जलवायु समझौते का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह समझौता एक तरफा और ऊर्जा को बर्बाद करने वाला था, इसलिए उन्होंने इससे बाहर होने का फैसला किया। आपको बता दें कि अमेरिका ने जून 2017 में पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने का ऐलान किया था। ट्रंप ने टेक्सास के एक कार्यक्रम में कहा कि चीन और रूस हमसे हवा की चिंता करने के लिए कहते हैं, लेकिन चीन अपने यहाँ की हवा पर ध्यान नहीं देता। भारत भी अपनी वायु की गुणवत्ता को लेकर कोई चिंता नहीं करता है और ना ही रूस, लेकिन हम करते हैं। अब खबर सोना चांदी से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की बढ़ती कीमतों का असर भारतीय सर्राफा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। सोना अब हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। देश भर के सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोना औसतन 341 रुपए उछलकर 53,354 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। वहीं दिल्ली सर्राफा बाजार में यह 54,000 के पार चला गया, जबकि चांदी 1,040 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 83,260 रुपए के रेट से खुली। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए फरिश्ता बने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सोनू सूद ने गुरुवार को अपना 47वां जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के खास मौके पर सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को अपनी तरफ से खास तोहफा दिया। सोनू सूद ने अपने जन्मदिन पर ऐलान किया कि वह 3,00,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार देंगे। अपनी इस मुहिम को वह इन दिनों बाढ़ का सामना कर रहे बिहार और असम से शुरू करेंगे। सोनू सूद ने कहा कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे प्रवासी भाइयों के लिए 3,00,000 नौकरियों के लिए मेरा करार है। यह सभी अच्छे वेतन, पीएफ, ईएसआई और अन्य लाभ प्रदान करते हैं। इसके साथ ही सोनू सूद ने अपने ट्वीट में हैशटैग अब इंडिया बनेगा कामयाब के जरिए उन सभी कंपनियों का जिक्र किया जिसके जरिए वह लोगों को रोजगार देंगे। सोशल मीडिया पर सोनू सूद का यह ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। जन्मदिन के मौके पर अभिनेता की ओर से प्रवासी मजदूरों को रोजगार का ऐलान करने पर हर कोई सोनू सूद की तारीफ कर रहा है। उधर बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनके पिता केके सिंह ने बेटे की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती समेत 6 के खिलाफ पटना में FIR दर्ज कराई है। केके सिंह ने रिया पर सुशांत के बैंक खाते से निकासी और सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर बिहार पुलिस की टीम अब मुंबई में है। वहीं रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में FIR को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए गुहार लगाई है। दूसरी ओर सुशांत के पिता बिहार पुलिस की जांच के पक्ष में हैं। उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट यानी आपत्ति सूचना दाखिल करने की बात कही है। बिहार पुलिस ने पहली बार सुशांत सिंह मामले में FIR दर्ज की है, जिसके बाद अब CBI के पास यह मामला जाने का रास्ता खुल गया है, क्योंकि बिना FIR दर्ज हुए यह मामला CBI के पास नहीं जा सकता था। दरअसल सुशांत मामले में मुंबई पुलिस द्वारा सिर्फ ADR दर्ज किया गया था, यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, जो FIR नहीं है, जबकि बिहार पुलिस ने इस मामले में पहली बार FIR दर्ज की है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को CBI को देने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस की तरफ से चल रहा है। ऐसे में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस लगातार काम कर रही है। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का पूरे देश में नाम है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TDC न्यूज़।